दिन की घटना है, संजीवनी नर्सिंग होम है। यहाँ पर 1 बजे दिन को एक व्यक्ति पिस्टल लहराते हुए अंदर घुसा और यहाँ के कर्मचारियों के सर पर पिस्टल लगा कर और उनको स्ट्रेचर लेके जाने को कहने लगा। जब पूछा गया कि कहाँ जाना है तो वो कहा कि उसके घर पे स्ट्रेचर लेके जाना है और घर यहाँ से काफ़ी दूर है। तो किसी तरह उसको समझा बुझा कर उसको भेजा गया, लोग उससे किसी तरह से छुटकारा पाए। और इस पूरे घटनाक्रम का एक लिखित आवेदन संबंधित थाना को CCTV फुटेज के साथ सूचित कर दिया। हम ये सोच रहे थे कि हमें थाना को जानकारी हो जाने के बाद हमें सुरक्षा मिलेगी या इस नर्सिंग होम को सुरक्षा मिलेगी, लेकिन आश्चर्यजनक बात है कि रात्रि 9 बजे वही व्यक्ति दोबारा से आता है और खुलेआम गोली चलाना शुरू कर देता है नर्सिंग होम के ऊपर, और नर्सिंग होम के स्टाफ और यहाँ भर्ती तमाम मरीजों में भगदड़ की स्थिति हो जाती है जिसमें कई मरीज गंभीर अवस्था में हैं। और ऐसे परिस्थिति उत्पन्न हो गया जहाँ पर कि बिल्कुल अराजकता है और खुलेआम गोली चल रही है। तो ऐसे में हम चिकित्सा, हमको गुप्त सूचना मिला था कि चंदीनी में कोई गोली राइफल लेकर के है, तो हमने बड़ा बाबू का इसका सूचना दिया। उसके बाद पता चलिए तो आ जाते हैं, फिर इसके बाद हमें कुछ पता नहीं। रात में भी गोली चलाया था? रात में तो हम नहीं थे यहाँ।